हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देसी रसोई हेमंत की में। आज हम बनाएंगे सोयाबीन बिरयानी। सोयाबीन बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से आपको बनानी सिखाएंगे। इससे पहले मैं बिरयानी आपको बनानी सिखाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लग रही है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज वो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को। चलिए अब शुरू करते हैं सोयाबीन बिरयानी बनानी। इसके लिए हमें चाहिए कि सोयाबीन 200 ग्राम सोयाबीन ली है, 4 से 5 प्याज कटी हुई ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और थोड़े बिरयानी मसाला और 4-5 तेज़पात पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च और 5-6 हरी मिर्च और सरसों का तेल। और चाहिएंगे थोड़े से देसी मसाले, जिसके लिए जीरा, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, किचन किंग, अजवाइन और हमने लिए 1/2 किलो चावल। ये हमने पहले से ही आधे घंटे पहले भिगो दिए हैं चावल और ये फूल गए हैं अच्छी तरह, देखिए। चलिए पहले सबसे पहले हम गैस जलाएंगे अपनी और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें तेल डालेंगे, देखिए मैंने तेल डाल दिया इसमें। अब तेल को गर्म होने दें। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया, इसके 1 चम्मच खड़े मसाले, तेजपत्ता, पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च, इनको भूनेंगे। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे कटी हुई, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और जिस तरह मिलता रहेगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें आप और सब्सक्राइब भी करें। देखिए प्याज इस तरह भुनेंगे और इसको ब्राउन होने देंगे और प्याज ब्राउन हो जाएगी अच्छी तरह, चलाते रहेंगे इसको ब्राउन होने। अब प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है, देखिए। और इसके अंदर हम सोयाबीन डालेंगे अपनी, इसको भूनते रहेंगे सोयाबीन को। हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, लंबी लंबी आप काट के डालिए और 5 मिनट तक इसको भूनिए ताकि सोयाबीन अच्छी तरह लाल हो जाए, ब्राउन हो जाए। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। इसको चलाएंगे, जो हमने चालू हो गई सारी। इसके अंदर हम नमक डालेंगे, मैं अपने रसोई में सेंधा नमक यूज करता हूँ जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खाने को जल्दी डाइजेस्ट करता है और शरीर में भी विटामिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ये देखिए ये सेंधा नमक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए नमक। एक चम्मच लाल मिर्ची जी, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 बिरयानी मसाला, 1 चम्मच, 2 चम्मच हो गया जी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है इसमें, या आप किचन किंग डाल सकते हैं। इसको भूनेंगे अब अच्छी तरह, भूनना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे हम और चावल डालेंगे,
थोड़ा पानी डाल के चलाएं ताकि मसाला पक जाए अच्छी तरह। फर्स्ट में हमने चावल डाल दिया, आधी किलो चावल लिए हैं मैंने, एक कटोरा चावल होते हैं जो कि बड़े वाला कटोरा, और दो कटोरा पानी डाल रहे हैं, चावल से दुगना पानी डलता है इसमें, एक कटोरा चावल दो कटोरा पानी, नाप के रख रखा था पानी, दो कटोरा पानी डाल दिया हमने इसमें, उसको हल्के हाथ से चलाएं। अब इसको ढक देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए, तो इसको हम ढक रहे हैं देखिए, और गैस को अपने मीडियम कर देंगे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा मंदी। चलिए 15 मिनट हो गए, अपनी बिरयानी देखते हैं तैयार हुई कि नहीं हुई। ये देखिए, इसको बीच में चलाना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो चावल का दाना टूट जाता है, क्योंकि बिरयानी की खाने का स्वाद ही जब यह है कि पूरा चावल बनाओ, देखिए पूरा बन चुका है। हम गैस को अपनी कर देंगे बंद और आपको सर्व करेंगे, देखिए चावल ये देखिए हमारे बिरयानी चावल बन चुके हैं। सोयाबीन बिरयानी तैयार है आपके लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए अब बिरयानी तैयार है हमारी। धन्यवाद।